तो संसद पर हुए हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को हुई फांसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और इस चर्चा को छेड़ा है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार की इजाजत से अफजल गुरु को फांसी होती तो वो इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन सवाल यह है, क्या संसद हमले के आरोपी को सजा देना गलत है? उमर अब्दुल्ला क्या चुनाव की वजह से अफजल गुरु वाला दांव चल रहे हैं? और आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बहस। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनावी रैली सुनाई दे रही है और इस बार रैलियों में सियासी बयानबाजी के साथ साथ कुछ ऐसे बयान भी हैं जो खास लोगों को पसंद आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है जिसका मकसद वोट बैंक तक पहुंचना है। आई डोंट बिलीव दैट एनी पर्पस वाज सर्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग हिम। उमर अब्दुल्ला ने बुलडोजर एक्शन को लेकर भी बयान दिया, लेकिन सुर्खियों में आया वो बयान जो आतंकी अफजल गुरु को लेकर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला आतंकी अफजल गुरु को फांसी देना गलत मानते हैं? सवाल ये भी है कि क्या विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए अफजल वाला दांव खेला गया है? और सवाल तो ये भी है कि आतंकियों के हमदर्द हैं क्या उमर अब्दुल्ला? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान देकर हमारे जवानों की शहादत का अपमान नहीं कर रहे हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो टू द पॉइंट बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश तलाशी हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला की पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अमित रैना हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले और कांग्रेस से हमारे सहयोगी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तलाशी साहब, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि आतंकियों के लिए हमदर्दी जरूरी है? किस बात की हमदर्दी की बात कर रहे हैं आप? कैसी हमदर्दी? ये कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला की ओर से कि अगर उनकी मंजूरी की जरूरत पड़ती तो वो फांसी की मंजूरी नहीं देते, ये हमदर्दी नहीं तो क्या है सर? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं उमर साहब का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक एनी पर्पस वाज सर्व्ड। देखिए, जिस तरह से यहाँ भाजपा क्लेम करती है कि हमने मिलिटेंसी को वाइप आउट कर दिया है जम्मू कश्मीर में, हमने हालात बेहतर कर दिए हैं, ये सब खोखले दावे हैं। कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ है, कोई मिलिटेंसी के हालात ठीक नहीं हुए हैं। आप देखिए बैक टू बैक के लिंक्स, आप दो मुद्दों को जोड़ रहे हैं सर। आप देखिए, आप 19 से 19 नहीं, साहब आप 19 से बाद की बात कर रहे हैं, वो एक बात है, आपका पॉलिटिकल व्यू है एक बात है, लेकिन जो फांसी दी गई थी अफजल गुरु को वो 19 में तो नहीं दी गई, वो तो 2013 में दी गई थी। बात है कि पर्पस क्या सर्व हुआ, बात ये है कि क्या मिला, क्या उस चीज से बीजेपी हालात ठीक कर पाई जम्मू कश्मीर में? बीजेपी ने फांसी दी थी। प्रियंका गुप्ता जो है कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनकी सरकार थी उस टाइम में। सुनिए, क्या जो सरकार के दावे हैं कि हमने हालात ठीक कर दिए जम्मू कश्मीर में, क्या हालात ठीक हुए, क्या पर्पस सर्व किया जम्मू कश्मीर में भाजपा ने? ठीक है, इस पर प्रियंका गुप्ता से जवाब लेना चाहूंगा। प्रियंका गुप्ता जी, क्या पर्पस सर्व हुआ अफजल गुरु को फांसी दे करके? आप बताइए, आपकी पार्टी की सरकार के समय फांसी दी गई थी, क्या पर्पस सॉल्व हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो आज ये है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है वो वापस आना चाहिए। पर्पस उस समय क्या आकर हल हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ। 10 साल से राष्ट्रपति शासन लगा है, क्या पर्पस हल हुआ? लगातार जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं उस पर कोई रोक नहीं लगी है। आप बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के युवा है, क्या उनको नौकरियां मिल गई? क्या जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से शांति आ गई है? जिस तरह के फेक आंकड़े दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से पर्यटन बढ़ गया है, क्या क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर में, आप बताइए ना मुझे। आप 10 साल पहले के जो ये सवाल मैं लूंगा, ये सवाल देने के लिए शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, उस सवाल का जवाब वो देंगे। मेरा सवाल ये था कि उमर अब्दुल्ला जी जो कि आप लोगों के सहयोगी हैं, उनका ये कहना है कि अफजल गुरु को फांसी से कोई पर्पस हल नहीं हुआ, आपकी सरकार के समय फांसी दी गई थी, आपको आपके सहयोगी हैं, सवाल पूछना चाहिए, उस पर कुछ बोलेंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पूरा डिसीजन जो होता है वो कोर्ट का होता है, सरकार का डिसीजन नहीं होता है। मैं नहीं समझती कि इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी अभी मैं कर सकती हूँ, बट मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज जिस तरह का पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है, ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू ठीक कश्मीर है, में किस तरह से राष्ट्रपति शासन ठीक लगाकर है। किस तरह से एलजी को पूरा तरीके से शहजाद वहां पर पूनावाला से कंट्रोल यही सवाल मैं लेना चाहूंगा, शहजाद हालांकि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि आतंकियों से हमदर्दी जरूरी होती है राजनीतिक पार्टियों के लिए? देखिए थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि उनकी तरफ से दो तीन लोग हैं और मैं अकेला हूं, तो एक बताना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवाद के साथ रहा है। ये कोई पहली बार है क्या? कांग्रेस पार्टी ने तो 26/11 के आतंकियों को कैसे ये हिंदू थे बता दिया, समझौता ब्लास्ट में पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, तो आज अफजल गुरु की हैंगिंग पर जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से बयान देती है तो दो सवाल है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण लटकाया? दूसरी बात, क्या यूपीए की सरकार ने उस समय उस निर्णय को एग्जीक्यूट किया तो उन्होंने बिना कारण किया? अब आते हैं आज के सवाल पर कि क्या बदला है। चलिए मैं आंकड़े दूंगा कि 45% आपका टेररिज्म डाउन हो गया, 90% इन्फिल्ट्रेशन डाउन हो गया, 97% लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले जो है वो कम हुए हैं, स्टोन पेल्टिंग 99% कम हुआ है, बंद कम हुए हैं। ये बताने के बदले मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। आपको पता है कि श्रीनगर की सड़कों पर ताजिया, मुहर्रम के ताजिया नहीं निकलते थे, 30 साल बाद निकले। सिनेमा हॉल 30 साल बाद खुले हैं। कुपवाड़ा के मंदिर में, माँ शारदा के मंदिर में नवरात्र के घंटे पहली बार बजे हैं। क्या ये बदलाव नहीं है? लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा पहली बार जो है वो उसको लहराया गया है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, अनुराग ठाकुर को जाना था लाल चौक पर तिरंगा लहराने के लिए तो किस सुरक्षा घेरे में जाना पड़ता था। तो ये तो असलियत है। परंतु 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, अब दो बातें जो प्रियंका जी ने कहा। प्रियंका जी ने कहा मैं इस पर स्टैंड क्यों लूं? अरे भाई चलिए दो चीजों पर स्टैंड लीजिए। राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो, भारत जोड़ो का मतलब एक संविधान, 370 बहाल करने की बात एनसी करती है, मतलब दो संविधान। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड प्लीज पेशेंस रखिए। दूसरी बात, आरक्षण का पहली बार जो लाभ है जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज को 370 हटने के बाद मिला, क्या आप उसको हटाने के पक्ष में? और शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं? तमाम बातें गिनवाई हैं, लेकिन हमारी जो बहस का मुद्दा है फारूक इनकलाबी साहब, वो यही है कि आखिरकार इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के। कहीं ना कहीं ये जो फ्लर्टिंग होती है ना, थोड़ी सी जो है इधर थोड़ी सी उधर वाली, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ती रही है। एक बार फिर से वही वैसे उसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ रहा नहीं लोगों को बताने के लिए कि इलेक्शन में हम लोगों के पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं पिछले 5-7 सालों में। यहाँ जो भी हमारे पास था वो लूट घसूट करके यहाँ से ले गए हैं। हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, स्टेटहुड का दर्जा छीना। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है वो अरूज पर है, करप्शन अरूज पर है, डेवलपमेंट यहाँ जीरो के बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए कुछ है नहीं यहाँ इस वक्त। अभी मैं जो सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ बैठे हैं जी, कि पहली बार जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया है, पहली बार मंदिरों में लाल घंटे चौक बजे बोला हैं। भाई मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं, सवाल फारूक इनकलाबी साहब मेरा ये था कि अफजल गुरु को लेकर जब इतने मुद्दे हैं विरोधी पार्टियों के पास में, फिर आखिरकार अफजल गुरु के मुद्दे पर इस तरह हमदर्दी जताने की नौबत क्यों आ रही है? सीधे सीधे डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़िए ना। पुराने आतंकवादी जिसको फांसी पर लटकाया जा चुका है उसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? हमदर्दी क्यों जताई जा रही है? देखिए ये सब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग करते हैं। और अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जी ने बोला है सर, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बात नहीं करता हूं, लेकिन ये सारी चीजें जो इलेक्शन में आती हैं ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही आती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस किस्म का माहौल पैदा किया जाए ताकि हमें कुछ फायदा हो, लेकिन इस इलेक्शन में इनको फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इनको लास्ट टाइम में जम्मू कश्मीर की आवाम ने 25 सीटें दी थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो है पूरे हिंदुस्तान के आवाम को जैसे इन्होंने बेवकूफ बनाया था 370 के नाम पे, 35A के नाम पे, अब इनको लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अभी बीजेपी के मेरे साथ एक छोटा वाक्य, ठीक है ठीक है, इस पर शहजाद जवाब देंगे, उसके बाद में अमित रैना और एक छोटा वाक्य अमित जी भी बोलना चाहते हैं, मैं उनके समय पर हस्तक्षेप देंगे। देखिए बेरोजगारी की बात 2-3 बार उठाई गई, इससे पहले आपको याद होगा बोलते थे कि पत्थरबाजी क्यों होती है बेरोजगारी की वजह से, और पत्थरबाजी कब होती थी, और आज अगर बेरोजगारी है तो पत्थरबाजी नहीं हो रही है, इसका मतलब कि पत्थरबाजी का कारण बेरोजगारी नहीं कुछ थियोलॉजिकल था।
मतलब अब मान लीजिए कि पत्थरबाजी का कारण क्या था, आप कह रहे हैं बेरोजगारी से पत्थरबाजी होती थी, वो बेरोजगार इससे पत्थर उठाते थे, आज तो कोई पत्थर नहीं उठा रहा, इसका मतलब बेरोजगारी नहीं पत्थरबाजी का कारण कुछ और था। देखिए इंकलाबी जी, मैंने आपके बीच में इंकलाब नहीं किया, इंकलाबी जी मैंने आपके बीच में इंकलाब नहीं किया, आप अपने समय पर बोलिए। इंकलाबी जी ये तरीका ठीक नहीं है कि सड़कों पर उतरना या डिबेट को हाईजैक करना। इंकलाबी जी अपने अपनी बात है, एक बात बोलते हैं तभी सार्थक बहस हो पाएगी। इंकलाबी साहब आपने अपनी बात रख दी, इस पर रिस्पांस ले लेते हैं। एक और वाक्य, एक आखिरी वाक्य, एक आखिरी वाक्य, अपने अपनी बारी का सहिष्णुता से इंतजार करें। हर बात पर आप मुकम्मल तौर पर एंकर साहब, अगर हम अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो डिबेट ज्यादा व्यवस्थित होगी। इंकलाबी साहब, इंकलाबी साहब आपने अपनी अपना पॉइंट रख दिया है, ठीक है इंकलाबी साहब आपने अपनी बात रख दी है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, उसके बाद आप रिएक्शन करेंगे तो डिबेट का समय बर्बाद होगा, ऑडियंसेस नहीं देखती ऐसे क्रॉस टॉक वाली डिबेट। ठीक है, मैं 10 सेकंड और फारूक इंकलाबी साहब, 10 सेकंड फारूक इंकलाबी साहब, अरे भाई पीसीआर उनका, अरे फारूक अली इंकलाबी साहब आप लगातार बोलते रहेंगे सर तो फिर जो है आपकी बात का रिस्पॉन्स कैसे हो पाएगा? मैं केवल 10 सेकंड हमारी आवाज ना पहुंच रही हो, ठीक है उनका वीडियो ऑडियो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। शहजाद जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करें, आवाज सब पहुंच रही है पर जब लाउड स्पीकर ही बजाना है तो फिर मतलब कुछ सुना ही नहीं। सुन लीजिए 5 सेकंड, अपनी बात पूरी करें। हाँ, केवल 5 सेकंड। यहां पर इंकिलाबी और जो तलाशी जी बैठे हैं दोनों से एक सवाल पूछिए, यासीन मलिक आतंकी है हाँ या ना? पीडीपी से पहले पूछ लीजिए, कोर्ट फैसला करेगा। अरे कर दिया, कन्विक्ट हो गए, कन्विक्टेड है यासीन मलिक, कन्विक्टेड है यासीन मलिक, कन्विक्टेड आतंकी है। बोलो कन्विक्टेड मानते हो, टेरिस्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? कोर्ट तय करेगा, अगर वो होगा तो कोर्ट सजा देगा उसे। तो अफजल गुरु भी कोर्ट ने ही तय किया था, अफजल गुरु को भी सजा देनी कोर्ट ने तय की थी फांसी की। अफजल गुरु की तरह और भी हजारों की तैदाद में कश्मीर के लोग जो है बलि का बकरा बने, बलि का बकरा। फारूक साहब बयान मत दीजिए, इस तरह के बयान मत दीजिए सर। उसे देखिए, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फांसी दी गई थी। फारूक साहब यही 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 जो सोच होती है ना, इसी तरह की जो बयानबाजी होती है इसको लेकर के एतराज होता है। आरती टिक्कू, इस तरह की जो है आतंकियों को लेकर के कहीं ना कहीं सहानुभूति वाली लाइन, लाइन के इस तरफ भी रहना, लाइन के उस तरफ भी दिखना, ये बड़ी ही जो है विस्फोटक स्थिति होती है और जम्मू कश्मीर तो इसका भुक्तभोगी रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, देखिए उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, इसको आपको हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है इनका अलगाववाद से क्या रिश्ता है सब कश्मीरियों को मालूम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला ने ये सारा अलगाववाद का इशू यहाँ शुरू किया और अभी तक चलता आ रहा है। उमर अब्दुल्ला एक पांव एक नाव में रखते हैं हिंदुस्तान और सेंटर के साथ में, दूसरा पांव जो है वो अलगाववादियों के साथ रखते हैं जी। लेकिन ये सारा काम जो है ये आग लगाने वाला काम है, ये कश्मीरियों के हित में नहीं है, ये कश्मीरियों को भड़काने, कश्मीरियों का जो मुस्तकबिल है वो खराब करने वाले बयान है, इसमें किसी का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए उमर अब्दुल्ला जो अभी बहुत अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, जरा सी वो अकल करे, जरा सी वो सोच करे कि वो किस तरफ अपने समाज को लेके जा रहे हैं। इस पर रिएक्शन देंगे तलाशी जी, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला का वो बयान सुना देते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद हम तलाशी जी का बयान लेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे। सी माय अनफॉर्चुनेट थिंग वाज दैट द जेएनके गवर्नमेंट हैड नथिंग टू डू विद अफजल गुरुज एग्जीक्यूशन, अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू डू इट विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. तलाशी साहब, आपके सबसे बड़े नेता में से एक, उनका ये बयान हमने आपको सुनाया, अब क्या कहेंगे सर? जम्मू कश्मीर को लेकर के अब क्लियर स्टैंड लेने की जरूरत है, जो आतंकी है वो आतंकी है। बड़ा क्लियर स्टैंड है। देखिए, जो आतंकी है वो आतंकी है, हमने वायलेंस का सपोर्ट कभी नहीं किया। हम कभी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबसे ज्यादा जो किलिंग्स हुई है, सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मारे गए हैं। ठीक है, हमने कभी वायलेंस का साथ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज इन्वॉल्व, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से अफजल गुरु को फांसी हुई है। इट वॉज द डिसीजन ऑफ द सेंटर एंड द सुप्रीम कोर्ट। और बात ये है, आप इसको देखिए, तोड़ मरोड़ के किसी भी सियासी बयान को आप प्रेजेंट करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अचीव क्या हुआ, हमने उस चीज पे बात की, क्या अचीव हुआ उसके बाद, क्या हालात ठीक हुए जम्मू कश्मीर में,
हालात तो बद से बदतर हो गए। बात सिर्फ इतनी सी है, यानी कि आतंकियों को फांसी नहीं दी जाती तो हालात बेहतर होते। आप ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाती तो हालात बेहतर होते। देखिए हमारा हक बनता है सवाल, क्या अचीव किया आपने, हम सवाल पूछेंगे। सवाल किसके खिलाफ उठा रहे हैं सर? आप किसके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं? राष्ट्रपति ने दया याचिका रद्द की नहीं दी थी, किस पर सवाल उठा रहे हैं? मैं ये समझना चाहूंगा। जवाब सुनिए, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद आप अगर बीजेपी से बात करेंगे तो उनके पास यही तीन पॉइंट्स होते हैं, अफजल गुरु, यासीन मलिक और बुरहान वानी। इससे आगे और इसके पीछे ये किसी चीज पे बात नहीं करते, ना डेवलपमेंट पे, ना अनएम्प्लॉयमेंट पे, ना नॉर्मलसी पे, ना पीस पे, इन चीजों पे ये बात नहीं करते। ठीक है शहजाद, आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, आप लोग जो है मुद्दे से भटका रहे हैं, आरोप का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये मुद्दा स्वयं उमर अब्दुल्ला ने उठाया, और मैं तो सिर्फ आज पूछना चाहता हूँ, बाकी सबको छोड़ दीजिए, प्रियंका गुप्ता की रिएक्शन आपने देखी? जब सुप्रीम कोर्ट ने जिसी को लटकाया उसको कह रहे बलि का बकरा, तो प्रियंका गुप्ता जी अपोज नहीं कर रही है? आज मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, संविधान बचाओ वाली मंडली है ना आप, यहां पर तो कहा जा रहा है कि आंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होगा, 370 बहाल होगा, और यहां पर आपके सामने कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? अगर वो मानती है बलि का बकरा है तो आपने लटकाया क्यों, और अगर नहीं मानती है तो एनसी के गठबंधन क्यों? ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन जो सवाल उठाया गया है तलाशी जी ने कि आप लोग इन मुद्दों को उठाते हैं क्योंकि आपके पास जो है विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई आपके पास बयान नहीं है, इसलिए आप लोग इन मुद्दों को हवा। चलिए जस्ट 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। स्ट्राइक्स 132 होती थी, आज जीरो। टूरिज्म 14 लाख आते थे पर ईयर, अभी 2 करोड़ आते हैं। स्टोन पेल्टिंग 2000 से ज्यादा होती थी, आज खत्म हो चुकी है। रोड प्रति वर्ष बनते थे 158 किलोमीटर, आज 8000 किलोमीटर बनते हैं। जो इन्होंने 47 से 24 हजार घर बनाए, हमने 1,45,000 बनाए। इन्होंने नल से जल 7 लाख दिए, हमने 13 लाख दिए। जीएसडीपी 1 लाख की थी, आज 2 लाख, 20,000 करोड़ की जीएसडीपी बन चुकी है। डिग्री कॉलेज 94 खोली, हमने 147 खोली। 4 मेडिकल कॉलेज खोले थे, 11 खोले। मेडिकल सीट्स 867 थी, आज 2,000 से ज्यादा है। तलाशी जी आपको आपका जवाब मिल गया? मुझे कोई मैं कोई सेटिस्फाई नहीं। तो ये फैक्ट्स को आप कह रहे हैं कि शहजाद जो है गलत फैक्ट रख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जवाब है ये कागजी जवाब नहीं चलेंगे। सबसे बड़े स्कैम्स जल शक्ति का स्कैम जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बीजेपी के वॉच में रिक्रूटमेंट स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम बीजेपी की वॉच में। आप मुझे बताइए इन स्कैम्स का कैसे, जो आज लिस्ट निकलती है अगले दिन कैंसिल हो जाती है, ये क्या एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हमसे, ये क्या जल शक्ति की बात करेंगे? सबसे बड़ा स्कैम्स जितने भी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े स्कैम्स हुए हैं वो बीजेपी की वॉच में हुए हैं, उनका क्या जवाब देंगे? देखिए ये कागजी, ये खुद ही आर्टिकल। अरे ये सब मुद्दे अगर आपके पास है तलाशी जी, फिर अफजल गुरु की कब्र क्यों खोद करके सामने उसको लाया जा रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास इतने विकास के मुद्दे हैं तो अफजल गुरु का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? एक सीधा सवाल, इतना इन्होंने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में, लोकसभा में इनके पास कैंडिडेट्स नहीं थे कश्मीर में खड़े करने के लिए। अब असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस में भी इनके पास कैंडिडेट्स पूरे नहीं है यहाँ पे इलेक्शन लड़वाने के लिए, क्यों ऐसा क्यों? मुझे लोकसभा में तो आपके उम्मीदवार भी हार गए, उमर अब्दुल्ला जी भी हार गए, अब जीत हार तो लोकसभा में चुनाव में लगी रहती है ना सर? आप तो नया कश्मीर का नारा दे रहे हैं, कैंडिडेट्स कहाँ हैं आपके? ठीक है ठीक है, इस पर हम अमित रैना को मिलाना चाहेंगे, बहुत धैर्य के साथ वो बहस सुन रहे हैं। अमित रैना जी, इस पूरे मामले को लेकर के केस किस तरह से आप देखते हैं उमर अब्दुल्ला के इस बयान को? आप कश्मीरी पंडित हैं और आप लोगों ने देखा है कि कश्मीर पिछले कुछ दशकों में किस दौर से गुजरा है। पिछले 30 साल कश्मीरी पंडित, इसमें से तकरीबन 8,500 फौजी है और उसके अलावा सिविलियंस और टेररिस्ट है, और कितनी कन्विक्शन हुई है? जीरो। वो इसी सोच में, आज उमेश तलाशी की जो सोच है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है, इसी कारण कन्विक्शन जीरो है कि अफजल गुरु को फांसी लगाकर क्या हासिल होगा, यासिन मलिक को जेल में डालकर क्या हासिल होगा, बेटा कराटे को जेल में डालकर क्या हासिल। ये जो निरंतर आतंकवादियों को कवर देना, आतंकवादियों को संरक्षण करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी है। जो आज कह रहे हैं कि हमारे सबसे ज्यादा मारे गए हैं, 1979 में 70 आतंकवादी फारूक अब्दुल्ला ने छोड़े और उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म लाया, उसके बाद 5 आतंकवादी फिर फारूक अब्दुल्ला ने छोड़े जब रूबिया सईद किडनैप हुई, और उसके बाद कश्मीर में क्या हालात हुए आज तक संभल नहीं पा रहे। और मैं आपको पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। 8 फरवरी की बात है, मुझे, मैं दिल्ली में था, श्रीनगर जा रहा था जी, और मुझे किसी एक रिपोर्टर का फोन आया, बोला उमर अब्दुल्ला गृह मंत्रालय में है, मुझे लगता है उस समय गृह मंत्री शायद सुशील कुमार शिंदे थे, गृह मंत्रालय में क्या करने आए? मैंने कहा मुझे नहीं पता। और बाय किस्मत देखिए, मैं उसी फ्लाइट में था, लास्ट फ्लाइट थी, इंडिगो की फ्लाइट थी,
लास्ट फ्लाइट थी, मैं उसी फ्लाइट में था जिसमें उमर अब्दुल्ला दिल्ली से वापस आ रहे थे 8 फरवरी 2013 को और 9 फरवरी 2013 को। भाई आप कहना क्या चाहते हैं, उमर अब्दुल्ला को पता था उनकी उनकी सहमति से फांसी दी गई थी? उनको पता था कि फांसी दी जाने वाली है, सहमति थी उनकी? जानकारी होना और अधिकार क्षेत्र में होना अलग अलग बात है। उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि उनके पास अगर अधिकार होता तो वो मना कर देते। उनका उनका 9 फरवरी 2013 का बयान है कि मुझे नहीं पता था, वो आज उसको रिपीट कर रहे हैं। और ये बार बार संरक्षण देना आतंकवादियों को, इसलिए जीरो कन्विक्शन है आज आपकी। कश्मीर में टेरर किलिंग को लेकर जीरो कन्विक्शन है, इसलिए आज भी जो समुदाय है कश्मीरी पंडित समुदाय वापस नहीं जा पाया है। क्योंकि आप अगर कहते हैं कि अफजल, आप अगर आप एक अच्छे नेता होते तो आप कहते अफजल गुरु जैसे आतंकवादी का एक यू शुड मेक अ लेसन आउट ऑफ इट। ठीक है, काफी फैक्ट्स के साथ बातें रखी गई हैं और इस पर फारूकी साहब आपका भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। आखिरकार इस मुद्दे को जो है अब खत्म क्यों नहीं किया जाता? Zee News.